कि कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मुकद्दर सजा रहे हम। अरे बोलिए ना, सुभानअल्लाह। कुछ इस तरह से मुकद्दर सजा रहे हम, नजर में गुंबदे खदरा बसा रहे हम। कुछ इस तरह से मुकद्दर सजा रहे हम, नजर में गुंबदे खदरा बसा रहे हम, और फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम की महफिल सजा रहे हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम की महफिल सजा रहे हम। अब आने वाला मिसरा जो आ रहा है, अब आने वाला जो शेर आ रहा है, यकीन इमाम हुसैन का जो इंसान दीवाना होगा वो शेर पे खामोश नहीं रहेगा। कि कुछ इस तरह से मुकद्दर सजा रहे हम, नजर में गुंबदे खदरा बसा रहे हम, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के नाम की महफिल सजा रहे हम, और हुसैन हुसैन असगर को लेकर हाथों में बोल पड़े हो, नबी के नाम का सदका लुटा रहे। हुसैन असगर को लेकर हाथों में बोल पड़े, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हम। अपने नातिय कलाम के अशआर समाप्त कर रहे थे। अब यहां से लग रहा है कि हाँ, जलसा दस्तारबंदी आपका अपना महबूब इदारा मदरसे का जलसा शुरू हो चुका है। यकीनन प्यारे, हम और आप अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। हमारा और आप का यहाँ बैठना यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया, तो जहाँ दोस्त की दोस्ती काम नहीं आएगी, जहाँ रिश्तेदारों की मोहब्बत काम नहीं आएगी, जहाँ कोई चीज़ काम नहीं आएगा, अगरचे अल्लाह ने हमारा और आपका यहाँ बैठना कबूल कर लिया, तो ये ज़रूर काम आ सकता है। इकबाल अजमी से अखबार वालों ने पूछा था कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपकी आखिरी तमन्ना क्या है। तो इकबाल अजमी ने कहा था कि आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूँ, आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूं, दिल में तो बस एक ही धुन है कि मैं मदीना देखूं। आखिरी वक्त है क्या रौनक दुनिया देखूं, दिल में तो बस एक ही धुन है कि मैं मदीना देखूं। ये मिसरे बारगाहिर साथ में इकबाल अजमी के जब कबूल हो गए, इकबाल अजमी मदीने से ही बुला लिए गए। सुभान अल्लाह, इकबाल अजमी मदीने से बुला लिए गए। इकबाल अजमी जाते हैं तो क्या कहते हैं, या खुदा या खुदा मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, या खुदा मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि मैं जब जी भर के मदीना देखूं, ताकि मैं जब जी भर के मदीना देखूं। याशिकों की बात है, याशिकों की शान है, याशिकों की पहचान है कि जो जिस तरीके से इश्क करता है अपने इश्क का इजहार किया करता है। इसी तरीके से एक शायर जो लखनऊ के करीब का रहने वाला है, पैर से माजूर है, लेकिन उसके अंदर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत का चिराग रोशन है, वो भी बारगाह साथ नर्ज करता है, रब की बारगाह में फरियाद करके वर्ज करता है कि जमाने भर की नजर में चढ़ा रहूं मौला, तेरे हबीब के दर पे पड़ा रहूं मौला, और दरबारे मुस्तफा में हाजिरी के लिए, दरबारे मुस्तफा में हाजिरी के लिए मैं एक टांग पे कब तक खड़ा रहूं मौला, मैं एक टांग पे कब तक खड़ा रहूं मौला। और ये शायर कहता है कि जब मैं मदीने शरीफ चला जाऊंगा तो ये शेर मैं पढ़ते हुए जाऊंगा। सुभान अल्लाह, देखिए एक आशिक के दिल की सदा है, एक आशिक के दिल की बोली है। वो कहता है कि उस नूर की चमक से, उस नूर की चमक से मैं आंखें नहीं मलूंगा, उस नूर की चमक से मैं आंखें नहीं मलूंगा, मैं गुंबदे खदरा को नजरों से चूम लूंगा। उस नूर की चमक से मैं आंखें नहीं मलूंगा, मैं गुंबदे खदरा को नजरों से चूम लूंगा। ये एक टांग की भी मुझको नहीं जरूरत, मैं सरकार की गली में सर के बल चलूंगा, मैं सरकार की गली में सर के बल चलूंगा। हज़रत मोहतरम, हम सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बैठाए हुए हैं। इंशाल्लाह अजीज, आप रात इसी तरीके से इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख सकते हैं मेंबर पाकी मुस्तफा सलाम की उलमाई कराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है, और साथ ही साथ आपका अपना महबूब शायर, आपका अपना प्यारा शायर जिसे आप अपने दिल में खास तौर पर रखते हैं, मोहतरम बड़े भाई अरशद उदार साहब किबला नूरी शिवानी, वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ दूं, मैं एक शेर पढ़ दूं अभी फिलहाल। वो मुबारक रात जिसे हम और आप शब मेराज के नाम से जानते हो गुजरी है, हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर साहब किबला तशरीफ रखते हैं, और साथ ही साथ उस्ताद-ए-गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफा साहब किबला तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ
के मिजाजे किबरियाई का हसीब मकतूब आया है। धीरे से बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। इतने लोग हैं लेकिन आवाज कम आ रही है। एक साहब एक देहात में सोने गए और सोने से पहले उन्होंने मच्छरदानी लगाया और लगा करके उसके बगल में सो गए। फिर जब रात हुई कुछ देर के बाद किसी ने देखा तो पूछा कि एक बात बताएं कि आपने बड़े अच्छे तरीके से मच्छरदानी तो लगाया है लेकिन उसके बगल में क्यों सो रहे, उसके अंदर क्यों नहीं सो रहे। तो साहब बोले आप नहीं समझते हैं, हम देहात के लोग हैं, मैं मच्छरों को धोखा दे रहा हूं। वो समझे कि इसके अंदर सोया हुआ है तो मैं उस पे वो लोग हमला करेंगे, मैं उसके बाहर सो गया हूँ। ताफरात ऐसी लग रहा है कि आफरात इतने लोग मौजूद हैं लेकिन आवाजें आ रही बहुत कम आ रही है। ऐसा नहीं है जिसका एक हाथ सलामत है अपने एक हाथ को उठाए, जिसके दोनों हाथ सलामत हो अपने दोनों हाथ को उठाए और उठा करके मेरे साथ आवाज के आवाज मिला करके या रसूल अल्लाह, अब मैं किसी और के नाम पे नहीं बल्कि सरकार को उस आजम के नाम पे एक बहुत ही शानदार और जानदार मैं नारा लगाना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि आफदार आप शायर सुन्नत मोहतरम बड़े भाई अरशद अंदूरी को सुनने के लिए कितने अच्छे तरीके से तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर सुन ले के मिजाजे किबरियाई का हसीब मकतूब आया है, मिजाजे किबरियाई का हसीब मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफो याकूब आया है। मिजाजे किबरियाई का हसीब मकतूब आया है, बहुत दिन बाद फखरे यूसुफो याकूब आया है। और गए जब अर्श पे सरकार, गए जब अर्श पे सरकार तो रब ने ये फरमाया, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आइए बड़ी तेजी के साथ आपका अपना महबूब इदारा मदरसा गौसिया फैजुल उलूम से फारिग होने वाला हजरत अल्लामा मौलाना दानिश राय साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और बारगाहे रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात पेश करें इस ख्याल के साथ के मुस्कुराते हुए चले आओ जाने गुलिस्ता। बोले सुभान अल्लाह, के मुस्कुराते हुए चले आओ जाने गुलिस्ता के मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्हीं से है, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्हीं से।